रायपुर में सीएम भूपेश बघेल के कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में लोक सेवा के आरक्षण को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वहीं सरकार आरक्षण को लेकर अध्यादेश लाएगी। एससी के लिए 12, एसटी के लिए 32 और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण तय किया गया है, जिसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया है कि जरूरत पड़ने पर आरक्षण के लिए सरकार आयोग का गठन करेगी। वहीं स्पोर्ट एक्सीलेंस सेंटर भी बनाए जाएंगे। बैठक में लैमरो एलिफेंट कॉरिडोर को भी मंजूरी मिल गई है। आज से जो निर्णय लिया गया उसके मुताबिक शेड्यूल ट्राइब 32%, शेड्यूल कास्ट 12 से बढ़ाकर 13% और ओबीसी का 14 से बढ़ाकर 27% किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% की आरक्षण करने का लोक सेवा में आज के मंत्रिपरिषद में निर्णय लिया गया। कोरबा, कटघोरा, धर्मजयगढ़ एवं सरगुजा वन मंडल क्षेत्र के अंतर्गत ये बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो ये इसमें आज हुई है, इसका जो एरिया है 1995.48 वर्ग किलोमीटर का ये हाथी रिजर्व बनाने का फैसला आज के मंत्रिमंडल ने लिया है। मेरा पूरा उम्मीद है सब कांग्रेस से मिलकर हमारा मुख्यमंत्री का नीति नियम 8 महीना में जो हुआ है तो उस 15 साल में पिछले सरकार किया नहीं है, इसलिए हमारा आदिवासी का सीट है वो हम पक्का जीतेंगे।